हेलो एवरीवन। तो अब हम देखते हैं जो आपका डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो डाइजेस्ट होने के बाद वो आपके ब्लड स्ट्रीम में कैसे एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो जो आपकी एब्जॉर्प्शन के लिए जो इसकी एंट्री होती है ब्लड स्ट्रीम में, वो कैसे होती है। ठीक है, तो आपके इसमें दो मेथड होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं। वो होता है एक तो फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इनको मतलब एंट्री कराने के लिए वेरियस टाइप के क्या होते हैं आपके ट्रांसपोर्टर होते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है GLUT5, मतलब ग्लूट मतलब ग्लूकोज, ये ग्लू ग्लू मतलब ग्लूकोज, टी मतलब ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ऐसे ही मतलब GLUT1 से लेके 7 तक का बहुत सारे आपके ट्रांसपोर्टर होते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पे दो मैटर दे रखे हैं, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टर और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका फ्रक्टोज और मैनोज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका ये ब्रश ब्रश बॉर्डर है इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में, ठीक है, ब्रश बॉर्डर है, तो यहाँ पे कुछ आपके एंट्री कराने के लिए ट्रांसपोर्टर है, जैसे यहाँ पे दे रखा GLUT5। ठीक है, तो जो आपके मोनोसेक्राइड्स हैं या मैनोज है या गैलेक्टोज या ग्लूकोज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टर में क्या होता है, हायर टू लोअर जाता है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी तो ये लोअर के लिए एंट्री कर देगा, मतलब यहाँ पे इसको एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, अगर हम दूसरा ट्रांसपोर्ट देखते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आपके दो मतलब आपके मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी क्या होती है, लो होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एंट्री वाला कंसंट्रेशन होते हैं, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज या गैलेक्टोज है, यहाँ पे मोनोसेक्राइड की कंसंट्रेशन लो है। ठीक है, जो अंदर जो है कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, हाई है। तो लोअर टू हाई जाने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चैनल दे रखा है, मतलब एंट्री मतलब होगी वो होगी आपकी ट्रांसपोर्ट कौन सा है, यहाँ पे SGLT मतलब सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपकी सोडियम की एंट्री होगी, ठीक है, जब सोडियम की कंसंट्रेशन मतलब आपके सेल के अंदर जाएगी, उसी के साथ मतलब सोडियम जो क्या है एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, देन जो आपका ग्लूकोज या फ्रक्टोज है जो लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो सोडियम के साथ वो आपकी इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर मतलब जो इंटेस्टाइनल इपिथीलियम है सेल है उसके अंदर एंट्री कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो उसको क्या होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या चाहिए, एनर्जी नीड होती है, फैसिलिटेट में एनर्जी नहीं होती क्योंकि आपका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो लोअर टू हायर जाता है, इसीलिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सोडियम क्या है यहाँ पे, एनर्जी। जब सोडियम चैनल मतलब सोडियम जब एंट्री करेगा, उसी के साथ जो लोअर कंसंट्रेशन में आपके कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसेक्राइड्स दे रखे हैं वो एंट्री करेंगे। ठीक है, देन जो आपका सोडियम है वो आपका सोडियम चैनल के थ्रू निकल जाएगा, और यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम, यहाँ पे जो सोडियम है वो यहाँ से निकल जाएगा, और जो आपकी पोटेशियम फॉर्म पोटेशियम आयन्स जो इसमें अंदर मतलब अंदर आ जाएंगे सेल के अंदर, ये बाहर के जाएंगे, इस तरह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, देन मतलब जो सोडियम आपके एंट्री करेगा यहाँ पे, तो जो आपका ATP मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो सोडियम क्या है, मतलब क्या जनरेट करेगा, यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मतलब यहाँ पे एनर्जी की नीड हो रही है। ठीक है, अगर ये रिवर्स होगी तो अलग, मतलब ये रिवर्स होगी तो ये हायर टू लोअर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आपके यहाँ पे कंसंट्रेशन मतलब इस फॉर्म में ये क्या है, जब मतलब मोनोसैकेराइड की यूनिट ही मतलब आपके एब्जॉर्ब होती है आपके बॉडी में, जैसे ग्लूकोज गैलेक्टोज या फ्रक्टोज या मैनोज, ये सब क्या है आपके मोनोसेक्राइड है। ठीक है, तो ये मतलब आपके जो इंटरस्टाइनल म्यूकोजल में
जितने भी आपके ग्लूकोज होंगे या मोनोसेक्राइड्स होंगे, तो वो किसके थ्रू एंट्री करेंगे? ग्लूट टू, ठीक है? ये ग्लूट टू ट्रांसपोर्टर के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम में आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है? ये ऐसे एंट्री होगी। तो ये हो गया, मतलब ये प्रोसेस है आपका डाइजेशन का, ठीक है? अब डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, देन आपको जो सेल में आपका कार्बोहाइड्रेट जो है मेटाबोलाइज हो जाएगा, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज में मतलब मेटाबोलिज दो प्रोसेस होते हैं, आपको जनरली पता है, कैटाबोलिज और एनाबोलिज। कैटाबोलिज में क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और एनाबोलिज में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी नया फॉर्म, नया मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में तो कार्बोहाइड्रेट जो कैटाबोलाइज हो जाएगा, वो कौन कौन सी आपकी रिएक्शन होंगी, कौन कौन से प्रोसेस होंगे, जैसे ग्लाइकोलाइसिस मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुवेट और लैक्टेट, मतलब जो आपका ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ऑक्सीडाइज होके पाइरुवेट या लैक्टेट में, ठीक है? नेक्स्ट है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जो आपका ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में या ग्लूकोज में, ठीक है? ग्लाइकोजन, ठीक है? नेक्स्ट है HMP फॉस्फेट, सॉरी HMP शंट, मतलब हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, जो भी आपके मतलब पेंटोज फॉर्म में आपके जो भी मोनोसेक्राइड्स होंगे उनको कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट कर देता है किस में, आपके हेक्सोज में, ठीक है? तो इसीलिए बोलते हैं HMP शंट, ठीक है? तो ये हो गए आपके कैटाबॉलिज, मतलब ये एनोदर, मतलब ग्लाइकोलाइसिस भी ऑक्सीडेशन है लेकिन ये एनोदर वे है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस से हटके दूसरा जो एनोदर पाथवे है वो है HMP शंट, ठीक है? तो ऐसे ही नेक्स्ट है आपके कैटाबॉलिज्म के बाद एनाबॉलिज्म, मतलब इसमें जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस होते हैं उनसे बनेंगे, जैसे ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से नए ग्लूकोज का बनना, ठीक है? ये हो गया ग्लूकोजेनेसिस। नेक्स्ट है लिपोजेनेसिस, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स के जो इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स होते हैं उनसे लिपिड का बनना, ठीक है? अब नेक्स्ट है यूरोनिक एसिड पाथवे, इस पाथवे में क्या होता है, जो आपके ग्लूकोज या जो भी मोनोसेक्राइड्स की यूनिट है वहाँ पे जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वहाँ पे क्या आपका ऐड हो जाए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो वो बनते हैं आपके यूरोनिक एसिड पाथवे, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, जो आपका ग्लूकोज है वो ग्लुक यूरोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है ना? अब ये हो गया आपके कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है? एक होती है एम्फीबॉलिक, एम्फीबॉलिक प्रोसेस वो होगी जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों फॉर्म होंगी, वो होगी आपकी TCA साइकिल, ठीक है? क्योंकि इसमें आपके कुछ कैटाबॉलिज प्रोसेस भी होती है और एनाबॉलिज, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है और एनर्जी मतलब इसमें रिलीज भी होती है, ठीक है? TCA साइकिल में जो ग्लूकोज का फाइनल मतलब मेटाबॉलिज बाद पे होता है, तो इसमें जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आपको यील्ड होता है, ठीक है? तो ये फाइनल पाथवे होता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का, ठीक है? अब वन बाई वन हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी कुछ साइकिल है उनको, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब बात करेंगे हम ग्लाइकोलाइसिस।